तो अगर तुम देखोगे प्यारे बच्चों इस वाले सवाल को, तो ऊपर वाला जो क्वेश्चन था उसी में हमें परसेंटेज एरर निकालना है। तो परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं? तो वेलोसिटी या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टी। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा बी अपॉन बी मल्टीप्लाइड बाई 100% डेल्टा डी अपॉन डी, डेल्टा डी अपॉन डी और प्लस डेल्टा टी अपॉन टी, डेल्टा टी अपॉन टी और मल्टीप्लाइड बाई 100%। एक तो तरीका ये हो गया डेल्टा बी, और जो निकाले थे ये सारी चीज़ें रखो, फर्स्ट मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड में इसी को डायरेक्ट कैलकुलेट कर लूँ ना, परसेंटेज एरर अगर निकालना है तो डेल्टा बी अपन बी और मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दूँ। तो डेल्टा बी मैं पहले ही निकाल लिया था, एब्सोल्यूट एरर 0.3 आया था और ये आया था 3.45, और 100 से मल्टीप्लाई किए थे तो ये पूरा आ जाएगा 8.95। ये इतना अप्रॉक्सीमेटली जो है, अप्रॉक्सीमेटली इतना सोल्यूशन बनेगा इसका, 8.95। सी ऑप्शन सही है। थैंक यू।